आप घबराइए मत। एक बार उस कमीने मंगल को मेरे हाथ लग जाने दीजिए, मैं उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा के ही रहूंगा। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? मैंने अपनी लाचारी बताई ना, बिना किसी सबूत के कुछ भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अभिनय की दुनिया में कब कौन किस किरदार में दर्शकों को भा जाए इसका अंदाजा खुद उस अभिनेता को भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी इतिहास रचने वालों का इतिहास ही उनके अतीत को धुंधला कर देता है। ऐसे ना जाने कितने ही सितारे हैं जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर एक खास किरदार के लिए जगह बनाई और दुनिया से विदा लेने के बाद भी उनकी छाप रह गई। पैलेट पर जो उंगलियों के निशान थे उनकी तस्वीरें। खान जी, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। उन्हीं में से एक है दोस्तों जगदीश राज खुराना, जिनके बारे में आज कम ही लोग जानते हैं। जगदीश राज खुराना का जन्म साल 1928 में ब्रिटिश भारत के सरगोधा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके नाम एक विशेष रिकॉर्ड है जिससे संभवतः कम ही लोग परिचित होंगे। उन्होंने 144 फिल्मों में पुलिस निरीक्षक का किरदार निभाया था। इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है। मैं सब सुन चुका हूँ, अभी अभी आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, बाकी सफाई अदालत में देना। सिपाही। जगदीश राज ने हम दोनों, गैम्बलर, जॉनी मेरा नाम, काला बाजार, ड्रीम गर्ल और दीवार जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। देवानंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या डॉक्टर का किरदार भी निभाया। हालांकि बाद में 80 और 90 के दशक से उनकी लोकप्रियता में सक्रियता कम होने लगी। कहते हैं कि कई बड़ी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाले जगदीश राज ने बाद में पुलिस की वर्दी ही सिलवा ली थी। वे भूमिका के लिए निर्माता निर्देशक का कॉल आते ही सीधे कॉस्ट्यूम में दोस्तों ये सेट पर पहुंच जाया करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर को उनके बारे में पता चला तो वो जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हुए। फिल्मों में एक तरह से खास किरदार निभाने वाले जगदीश राज के बारे में जानकर वो हैरान रह गए। फिर लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम को जांच के लिए मुंबई, जो उस समय बम्बई हुआ करता था, वहाँ बुलाया गया। इस तरह फिल्मी पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए विनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगदीश राज का नाम दर्ज हो गया। दोस्तों, जगदीश खुराना जी के बारे में एक किस्सा काफ़ी दिलचस्प है। जब फिल्म लोहा और नाइंसाफी में उन्हें पुलिस कमिश्नर का किरदार निभाने को मिला तो उन्होंने बड़े ही रोचक अंदाज में जवाब दिया। वो बोले, उनके निधन पर कई शेलेब्स ने शोक व्यक्त किया था। उनके फैंस इस बात से काफ़ी दुखी थे। उनकी छवि कुछ इस तरह से हो गई थी दोस्तों कि फिल्मों में स्थायी तौर पर पुलिस इंस्पेक्टर बन गए थे। दर्शक भी इस किरदार में उन्हें देखना पसंद करते थे और उनका चेहरा कुछ इसी तरह याद रह गया था। दोस्तों, उनकी एक बेटी अनीता राज खुराना है जो खुद भी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। इन्होंने प्रेम गीत जरा सी जिंदगी, जमीन आसमान, मास्टर जी, एक छोटी सरदारनी जैसी फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों, जगदीश खुराना जी की एक और बेटी हैं जिनका नाम रूपा मल्होत्रा है। दामाद का नाम राकेश मल्होत्रा है, लेकिन वो इतनी सक्रिय नहीं रहती फिल्मों में। चलो, मेरा प्रमोशन तो हुआ। दोस्तों, जगदीश राज ने 1992 में फिल्मों से दूरी बनाते हुए संन्यास ले लिया था। उन्हें सांस की बीमारी ने जकड़ लिया था। इसके बाद 85 साल की उम्र में 28 जुलाई 2013 को जुहू स्थित घर में उनकी डेथ हो गई। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।